जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हम बात करेंगे, देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की फिजिकल की डेट आ गई है। आपको पता है कि फिजिकल की डेट आ गई है, कब से है आप बताइए। अरे कब से है बता। 21 दिसंबर से 28 जनवरी। जी हाँ, 21 दिसंबर से 28 जनवरी। तो जो बच्चे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका रिटिन होगा, टाइपिंग होगी, फिर फर्दर जो कॉरेस्पॉन्डेंस उनका होने वाला है, मेडिकल सर्टिफिकेट वो होने वाला है। तो आपकी जो पीरियड है ना, दिसंबर और जनवरी में चलने वाला है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो हम बताने वाले कि आपको ऐसी क्या गलती नहीं करनी आपके डॉक्यूमेंट में, कि भाई क्या क्या लेके जाएंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ, तो वो गलती नहीं करनी है, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंट कैसे चेक होते हैं, फिजिकल में क्या क्या होता है, बहुत सारा हम मतलब फिजिकल वगैरह दे चुके हैं। और ये हो कि भाई सारी तैयारी कर लें और आप बाद में बाहर होंगे ना, तो आपको दिक्कत होगी, मतलब आपकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स जुड़ी हुई है आपके परिवार की। तो इस वीडियो में बेसिकली भाई सब कुछ बताने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक जो मार्केट में आ गई है, नई बुक है, उसमें नए चैप्टर वाइज नए सिलेबस के हिसाब से आपको सब कुछ दिया है, तो उसको परचेस कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा एसएससी जीडी की आप तैयारी करते हैं तो। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी परचेस कर लेंगे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, आप पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको कोई भागदौड़ वाली चीज़ें नहीं होने वाली है, सिंपली आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, यही सब कुछ होने वाला है, इसके अदर देन कुछ भी आपका नहीं होगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रनिंग नहीं होगी, यही आपका हाइट, वेट, चेस्ट होने वाला है, लेकिन वेट अपना मेंटेन करके जाइएगा। चेस्ट अपना फुला हुआ आप देख लेना कि 5 का फुला होगा, कैसे क्या करना है, क्योंकि वहां पर निकल जाते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि वहां पर निकल जाते वेट में हाँ निकलते हैं। आपके साथ हो जाता ना, मेरे साथ हो गया था। और साथ ही साथ आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो किसी किसी सेंटर पे पहले डॉक्यूमेंट हो जाएगा, किसी पर बाद में हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में इनको क्या क्या चाहिए होगा, तो 12th से है तो क्या क्या इनको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए। 12th तक की तो आपको सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी दोनों लेकर जाना चाहिए। हाँ। जाति है आपका, जिसने रिजर्वेशन चाहिए जिसको वो जाति का लेके जाएगा, और निवास का मांगा गया है नहीं मांगा है, निवास का नहीं, ऐसा बताया नहीं है, लेकिन अगर आप पर है तो ले जाना। हाँ। कि मतलब आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना, बल्कि अपनी फाइल जितनी भी है आपकी सभी ले जाना, वो ज़्यादा मच बेटर रहेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट में रखेंगे। एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपकी इच्छा है, ले जाना चाहो नहीं जाओ। आपको हाई स्कूल की मार्कशीट सनद आपकी 12th की हो जाएगी की। उसके बाद अगर आपके पास एक आईडी प्रूफ वो लेके जाना है, क्योंकि वहाँ आधार कार्ड आप कॉपी जरूर रख लेना, एक एक सेट बना लेना, आधार के बाद आपके पास पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ले जाना, ठीक है। अब जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको सेंटर का चाहिए या केंद्र का चाहिए, दो तरह के बनते हैं। तो कुछ जातियाँ ऐसी होती है ओबीसी में कि जो जैसे जाट है, जाट यूपी में तो ओबीसी में आते हैं, लेकिन जब सेंटर में जाते हैं तो वो जनरल में काउंट होते हैं, तो ये वैकेंसी है स्टेट की नहीं है, ये सेंटर की वैकेंसी है, तो आपको सेंटर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। ओबीसी की कैटेगरी की अगर लेते हैं तो सेंटर के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे एससी एसटी है तो हर जगह, अगर कुछ जाते ऐसे कि हर जगह भाई एससी एसटी में है, तो वो स्टेट का भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, वहां का भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही लगता है सेंटर का ही चलेगा। अगर सेंटर का है तो मच बेटर है, जो मैंने एग्जांपल देकर बताया ना, उस हिसाब से आप समझ लेना कि आप सेंटर में भी आने चाहिए और केंद्र में भी आने चाहिए। तो केंद्र का मान्य होगा आपका, जैसे जाट में आपने आपको बता रहा हूँ कि अगर हम यूपी में तो हैं ओबीसी में, लेकिन जब सेंटर पे जाते हैं तो हम सामान्य में आ जाते हैं, तो वहां पर हम कास्ट सर्टिफिकेट ना भी लगाएं तो चल जाएगा उसका। तो देख लेना सेंटर के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रहा आपका स्थायी प्रमाण पत्र का, तो उसमें कुछ ऐसी बताया नहीं है कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी पर है तो टाइम है तो बनवा लीजिए, और पहले से रखा है तो लेकर जाइए। हाँ, और ये करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर यूपी से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो वो उसमें डिक्लेयर हो जाता है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बेसिकली उसके लिए होता है। हाई स्कूल की मार्कशीट इसलिए होती है कि आपके ये चेक कर लेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इन सभी के एडमिट कार्ड ले जाना, उसके बाद फोटो ले जाना, नवीनतम रिसेंटली फोटो होने चाहिए, 5 से 10 फोटो अपने साथ लेके जाना। हर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अटेस्ट कर लेना अपने आप, सेल्फ अटेस्ट, और एक आप ऐसी बिना टेस्ट की ले जाना। हर सेट, बल्कि 3 सेट बना लेने चाहिए, 3 सेट बना लेना, क्योंकि वहाँ पर देखो बहुत प्रॉब्लम पड़ती है जब फोटो कॉपी नहीं होती, बच्चा बहुत दूर भागता है। आधार कार्ड अपना जरूर रख लें, बहुत सारा मैंने देखा है कि मतलब आईडी भूल जाते हैं बच्चे, डॉक्यूमेंट तो रख लेते हैं लेकिन आईडी भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंटर भी। हाँ, एक चीज और है, सेंटर भी बहुत दूर दूर डाले हैं इनके, कुछ बच्चों के बहुत बहुत दूर आपके सेंटर डाल दिए, बहुत गलत हो जाती है कि सेंटर बहुत दूर डाल देते हैं इतनी ठंड में, इतनी ठंड में कैसे सर्वाइव करेंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे टाइम में भी था, कहां भाई बहुत दूर पड़ता था, कहां मुरादाबाद का, मैंने कहां डाला था, 25 बटालियन 25 नहीं
कौन सी थी, नजफगढ़ में थी इनकी, बीएसएफ की नजफगढ़ में थी, मेरा वहीं पे हुआ था नजफगढ़ में, दिल्ली में हुआ था, और मैंने फिजिकल हो गया था मेरा, रिटिन हो गया था और टाइपिंग वाइपिंग सब हो गया, मैं फाइनल मेरिट में एक दो नंबर से निकल गया था, उस टाइम 75 नंबर पर लगी थी और मेरे को यार इतना दुख हुआ था। मेरा दोस्त था नरेंद्र, वो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर में बीएसएफ में लग गया था, और अभी वो छत्तीसगढ़ की या झारखंड की तरफ है, वो उससे मेरी बात होती है, तो वो वहाँ पर अभी ड्यूटी कर रहा है 2013-14 वाली भर्ती, मुझे पता है, मुझे तो अपना 13-14 वाली भर्ती थी शायद, वो उसमें मैं निकल गया था भाई। मेरे को इतनी वोमिटिंग हो रही थी ना, इतना घबराहट हो रही थी कि यार मैं कैसे रह गया, अब मैं क्या करूँगा, क्या नहीं होगा, भर्ती आएगी भी नहीं आएगी, कैसे सिलेक्शन होगा, अरे भाई बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, टेंशन होती है उस समय पे। तो यही है कि भाई अब आपके पास सामने, आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो उसी तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेना, फर्दर ज्यादा टाइम एक बार वेरीफाई कर लेना, किसी को दिखा देना कि यार ये चीज है, चेकलिस्ट बना लेना, चेकलिस्ट बना लेना कि ये मुझे चाहिए होगा और ये मैंने रख लिया, टिक मारते रहना। सबसे बढ़िया आइडिया है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट बना लेना एक और उसके टिक मार देना कि ये रख लिया, ये जरूरत है, ये नहीं है, इस तरह से ठीक है। उस जैसे मैं हूँ, अब मैं पैकिंग करती हूँ कोई सामान, तो पहले एक लिस्ट बना लेती हूँ, फिर उस पर टिक करते रहती हूँ कि मैं अपना रख चुकी हूँ, बहुत हेल्प करती है वो लिस्ट। वहां पर जाके भाई तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, सुनने वाला आपका कोई नहीं होगा, और उसके बाद अपना सेंटर कैसी जगह हो, तुम फोटोकॉपी ना लेके जाओ, मिले ही नहीं फोटोकॉपी करने वाला। 65 आपकी जनरल उसके मेल कैंडिडेट की है, और 150 आपकी फीमेल की, या 155 155 है, और एसटी जो फीमेल है उसकी 150 है। तो देख लेना कहाँ पर आपको क्या चाहिए है, कैसे है, क्या होगा वहाँ पर, सब कुछ चेक करके जाना बारीकी से कि भाई आपको दिक्कत ना आए कल को। हमारा बस मेन मोटो इस वीडियो बनाने का यही है कि अभी हम फ्री हैं, तो हमने एक चेकलिस्ट बनाई थी कि ये बंदों को चाहिए और ये नहीं चाहिए, और आप देख लेना जाते टाइम कि वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपको रखना ही है, एडिशनल अपनी तरफ सब कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे रख लेना क्योंकि वहाँ पर सर्वाइव करना है, एक दो दिन जाओगे देखना वो सब कुछ है। पैसे वैसे मतलब मत समझना कि किसी को देने पड़ेगा, देना नहीं है किसी को, वो मैं मानता हूँ कि एक भाई मैंने तो नहीं देखा है, बाहर वो बोर्ड आपको पहले से लगा मिल जाएगा, दलालों से सावधान, कोशिश भी मत करना देने की, इंक्वायरी खुल जाएगी आपके, पकड़े गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ईमानदारी आप में दम है। मेरा साथ हुआ था ये, मैंने तो फोन करा था बस ऐसे ही जानने के लिए कि मेरी टाइपिंग कब है, बस टाइपिंग पूछने के लिए फोन करा था, तो उसी में सोचा कि पैसे देने के लिए करा है, जबकि भाई नहीं, ये सब चीज नहीं होता है, आप ईमानदारी से, हाँ अपनी ईमानदारी से आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्त देख लेना बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बेहतरीन वैकेंसी है, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की और एएसआई स्टेनो की है, आपकी फील्ड की जॉब नहीं है, ये बैठ के आराम से नौकरी निकालनी होगी, अपनी फैमिली भी अपने साथ रख सकते हैं, वो भी कोई परेशानी नहीं है, वो भी ठीक है आपके साथ, तो मुझे लगता है अच्छी है, अच्छी जॉब है, उनको करनी चाहिए, लेकिन लगेंगे तभी तो, मेहनत करेंगे तभी तो, क्यों नहीं करेंगे मेहनत, सब करेंगे मेहनत जरूर करना, तैयारी करते रहिएगा, इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले भी काफी था कंपटीशन, लेकिन वही है ना, चल ज्यादा मधुबन बोल सोचेंगे कि ज्ञान बांट रहे हैं ज्यादा, तो ये जो चीजें है ना ध्यान कर लेना, समझ लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।